कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा ना होने से और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट ना आने से लाखों विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में है। वहीं विद्यार्थियों में असंतोष और रोष उत्पन्न हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई रीवा के नगर मंत्री कर्षदेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते समय कहा गया कि अगर शीघ्र छात्रों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। मांग है कि विद्यार्थियों के हित में सरकार सभी प्रकार की कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए MPPSC का रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए। आइए सुनाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के नगर मंत्री कर्षदेश तिवारी का क्या कहना है। परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना विपक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई द्वारा प्रदेश के ज्ञापन हुआ है MPPSC की जो परीक्षाएं हो गई हैं उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, उनकी भर्ती के लिए जो अभी परीक्षाएं नहीं हो पा रही और उनके लिए अगर हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। अगर कलेक्टर महोदय से यह भी कहा गया कि अगर इन जो विषयों पर ज्ञापन सौंपे गए इन पर अगर शीघ्र ही कोई निराकरण नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और सरकार से भी बड़े आंदोलन की मांग। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम कर्षदेश तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर का नगर।